孙悟空。तो कैसे मेरे सही हैं दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि कैसे आप ये मिशन करके बहुत सारे पुराने क्रिस्टल कलेक्ट कर सकते हो, मल्टी जी पावर कलेक्ट कर सकते हो लेजेंड लिमिटेड की। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर मैं स्क्वाड नहीं ज्वाइन किया है तो स्क्वाड ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और फटाफट चलो इस वीडियो पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप अपने मिशन वाले सेक्शन में जाओगे तो ये वीडियो कल आनी चाहिए थी, मेरा लेट हो गया। ठीक है, मैं कल लाइव पे भी आपको समझा नहीं पाया और किसी ने पूछा भी नहीं तो मैंने समझाया भी नहीं। तो आप देख रहे हो कि कुछ इस तरह का आपको नया एक मिशन दिखेगा जहां पर आपको मूवीज के जी मेडल कलेक्ट करना है और ये काफी बहुत ज्यादा कलेक्ट करना है। ये कुछ सिमिलर है जो एनिवर्सरी पे आता है एनिवर्सरी मेडल की तरह, और उसको भी 1000 टाइम कलेक्ट करना पड़ता था। तो एनिवर्सरी तो 2.5 महीने थी, लेकिन ये इवेंट भी 2.5 महीने ही चलेगा। तो आप देख रहे हो कि पूरे के पूरे 1000 मेडल कलेक्ट करने हैं। तो जैसे कि बताया था कि तोशी ने जब पिछला रिवील स्टफ हुआ था वो बोला था कि भैया बहुत लंबा चलेगा, 2.5 महीने चलेगा, 3 पार्ट होगी पूरी। और पहले पार्ट में आपको ब्रॉली आ गया है, बहुत लोग ब्रॉली पे समन किए हैं, उनका फेवरेट कैरेक्टर है। अगर उनको नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, अगर आपका फेवरेट होता कीप गोइंग। अगर आप ऐसा अभी भी प्लेयर हो तो मैं अभी भी सजेस्ट करूंगा कीप सेविंग योर प्रोनो क्रिस्टल फॉर सेकंड पार्ट या फिर नेक्स्ट अल्ट्रा। तो हम पहले वीडियो टॉपिक पे आते हैं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर बहुत सारे क्रोनो क्रिस्टल भी हैं, इरेजर्स भी हैं और 200 मल्टी जी पावर भी है। तो ये सब कैसे मिलेगा और कैसे, अब फास्टेस्ट वे क्या है कलेक्ट करने का? देखो फास्टेस्ट वे क्या मैं बता रहा हूँ, ये मेडल कलेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पीपी लवर हो आप, लाइक आप पीपी बहुत खेलते हो, आप पीपी लवर हो तो पीपी वाले बंदे पीपी करके ये चीज कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप जाते हो यहाँ पर पीपी वाले में और यहाँ पर जाते हो रिवॉर्ड सेक्शन में, जब जाओगे आप रैंकिंग रिवॉर्ड जो भी है, ठीक है, तो डेली रिवॉर्ड में देखो आप यहाँ जाओगे तो यहाँ पर आपको डेली ये 2 मिलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर गारंटीड है कि डेली में आप जाओगे 2 मिलेगा। और यहाँ पर इसको आप मतलब पीपी करो, कर लिया करो, बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट तो है नहीं पीपी करना, तो कर लिया करो और आपको वहाँ से ये चीज़ मिल जाएगी। बट आप जैसे पीपी नहीं खेलते, बहुत कम खेलते हो और पीपी नहीं खेलने का मन है तो कोई दिक्कत नहीं है, पीपी के अलावा भी ये बहुत सारी जगहों पर होता है और ये अभी 2.5 महीने रहेगा। तो फास्टेस्ट वे सबसे होता है वो होता है रेड। आप देख लो रेड बॉस है यहाँ पर, रेड बॉस यहाँ पर बना हुआ है। आप ये वाला रेड में शायद नहीं आएगा, मेरे ख्याल से ये वाला रेड होगा उसमें भी उसमें आएगा, क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि जो ये रेड था ना, लेट मी चेक, रिवॉर्ड सेक्शन में चलते हैं और रिवॉर्ड सेक्शन में जब जाते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ आते हैं ना, तो यहाँ पर लेट सी तो ड्रॉप रेड लिखा है, ओके यार, तो यहाँ पर आपको जी मेडल नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पर जी मेडल अभी नहीं है मुझे अच्छे से पता। लेकिन जब ये वाला रेड अनलॉक होगा, ये आई थिंक 2 दिन में लॉक अनलॉक होने वाला है, फ्राइडे या सैटरडे को अनलॉक होने वाला है, आई एम नॉट श्योर, मैंने ठीक डेट नहीं देखी है। बट जब ये वाला रेड अनलॉक होगा आई थिंक 16 को अनलॉक होगी, आज 15 है तो आज थर्सडे है, जी हाँ फ्राइडे को अनलॉक हो जाएगा, फ्राइडे को 11:30 पे अनलॉक होगा। तो ये जब अनलॉक होगा 11:30 पे तो ये आपको यहाँ से करने को मिलेगा और यहाँ पर आपको मल्टी जी जो जी मेडल्स है वो करने को मिलेगी। तो मैं एक सजेशन दूंगा कि आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, वहाँ आ जाओ, नए फ्रेंड्स बना लो। नए फ्रेंड बनाना इजी नहीं होता कि जैसे तुरंत आओ तुरंत कोई फ्रेंड बन जाएगा, आप आओगे दोस्त बनाओगे तभी आपको कोई यहाँ पर रेड करने का पार्टनर मिलेगा, जिससे आप बहुत तेजी से वो मल्टी जी जो मेडल्स है सॉरी और ये मल्टी जी जो लेजेंड्स वाली हैं ये कलेक्ट कर पाओगे और जो क्रोनो क्रिस्टल है उसको तुम कलेक्ट कर पाओगे। तो ऑलमोस्ट 1500 क्रोनो क्रिस्टल्स है, 200 लेजेंड्स लिमिटेड के जी पावर हैं, तो इसको आप जरूर कलेक्ट करो, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा यहाँ से। उसके बाद अगर देखा जाए तो भैया स्पेस टाइम भी हमारा डुअल रिसेट हो चुका है, ब्रॉली का यहाँ पर बी का टोकन हो गया था जैसे बिटकॉइन का होता है, तो यहाँ पर तो कोई सीसी नहीं मिलेगी, बट जब एक्सचेंज शॉप में जाओगे तो वहाँ पर 300 सीसी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप स्क्रॉल करके नीचे आ जाना, यहाँ पर 3 टाइम्स दिखा होगा, 3 टाइम्स यानी 300 क्रोनो क्रिस्टल आपको यहाँ से मिल जाने वाली है। उसके बाद आपको रेड से भी सीसी मिलेगी, लेकिन रेड अभी रिसेट हुई नहीं है, तो रेड से भी दूसरी जो रेड आएगी वहाँ से भी आपको क्रोनो क्रिस्टल 700 मिलने वाला है। तो कुल मिला के आपको यहाँ पर हो जाने वाला है कुल मिला के 2100 सीसी हो जाएगी, जो कि बहुत इजी है। और उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो कि ये तो आपका समान वाला वो है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ थी, कहाँ गई, लेट मी शो यू, कहाँ गया
हाँ ये था। इसके एक्सचेंज शॉप में भी मल्टी जी पावर आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर भी आपको 100 मल्टी जी पावर देखने को मिल रही है, यानी अगर 200 मेडल कलेक्ट करते हो तो ऑलमोस्ट आपको पहले 200 मतलब वो उधर मिल जाएगा पूरा 1000 करने के बाद, और 100 यहाँ मिलेगा तो 300 आपको यहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ पर कुछ अच्छे अच्छे स्लीप्स भी हैं, आप ले भी सकते हो, पर्क्स भी हैं, काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड भी है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। अदर्स में भी जाते हो तो आपको एनर्जी मिलती है, बहुत सारी एनर्जी आपको मिल जाएगी यहाँ पर, 300 के आसपास एनर्जी मिल रही है आपको, यहाँ पर स्किप टिकट भी मिल रहा है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो, काफ़ी अच्छा मिशन है। और अभी 2-2.5 महीने तक रहेगा, तो कोशिश करो कि पूरी शॉप खाली कर दो आप, ठीक है, बहुत ही ईजी है। और फिर भी आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है कि कैसे क्या करना है, तो आप मेरे डिस्कॉर्ड एज यूजुअल ज्वाइन कर सकते हो, मैं वहाँ पर आपका रहूँगा, हेल्प करूँगा, अगर मैं नहीं हूँ तो वहाँ बहुत सारे बंदे हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। तो बस छोटी सी छोटा सा एक इवेंट था जो आने वाला है, जो कि बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई कैसे इतना जल्दी जल्दी होगा, तो उनके लिए एक वीडियो थी। होप करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और तब तक हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर कोई दिक्कत हो आप मेरे लाइव स्ट्रीम पे भी आ सकते हो, हम लाइव स्ट्रीम करते हैं 8 PM के बाद, और 3 घंटे के ऑलमोस्ट 3 घंटे के आसपास की लाइव स्ट्रीम होती है, तो आप लाइव स्ट्रीम पे भी आके हमसे पूछ सकते हो। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल, टेक केयर।